छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में येलो अलर्ट के बीच पिछले 3-4 दिनों से मौसम के बदले मिजाज ने जहां एक ओर चिलचिलाती गर्मी और धूप से राहत दिलाई है, तो वहीं फसलों के लिए आफत साबित हो रही है। सब्जी की खेती के साथ साथ महुआ के संग्रह को इससे काफी नुकसान हो रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 20 मार्च तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। बता दें कि पश्चिमी विभोक्ष की वजह से बदले मौसम के मिजाज के अलग अलग प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। लगातार चले तूफान ने सब्जी उत्पादकों को भारी नुकसान पहुंचाया है। गर्मी के मौसम में जहां तापमान 35 डिग्री पहुंच गया था, वहीं अब तेज हवाओं के साथ गरज एवं चमक के साथ हुई बारिश से तापमान में लगभग 5 डिग्री की गिरावट ला दी है। वहीं बदले मौसम का असर महुआ संग्रह पर बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है। बारिश एवं तूफान की वजह से महुआ की फसल को खासा नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि लगभग 15 दिनों तक गिरने वाला महुआ की फसल अब बमुश्किल 1-2 दिन ही और गिरेगी। महुआ तो नहीं गिरे है, काबर पानी गिर गए। हमार बहुत भारी नुकसान हो गई। कैसे? पानी में पूरा आंगना में सुखाए रहे, तब सब बीज भुजाए के सब रद्द हो गई। भल में खर्चा पानी चलते, मिर्चा मसाला कुछ घटी बढ़ी बेच माँच के कुछ 2-4 पैसा निकाल थी, वह सब खत्म हो गई हमार। हर एक चीज महुआ घर में रहते तो सबे चीज के काम आए जाते, खाए पिए काम आए जाते। इसे 3 साल तो बहुत घाटा करा थे, पानी बहुत घाटा हो गई समर। बता दें कि फसल संग्रह कर आदिवासी अपने साल भर के नमक तेल के साथ जरूरी खर्च के लिए पैसा जुटा लेते हैं, जिससे हुआ नुकसान आदिवासी वर्ग के लिए बड़ा नुकसान है। वहीं सब्जी उत्पादकों के लिए भी ये मौसम नुकसान भरा रहा है। नुकसान है कैसे? तो भाई अब पानी गिर गए तो इसमें बहुत नुकसान है। एक तो महुआ का मौसम देख कर फिर इसका सूखता है ना कुछ करता है, जल्दी नहीं झड़ जाएगा। अब महुआ तो आया नहीं है, थोड़ा बहुत आया रहा वो पानी के मौजूद से, बहुत नुकसान है। और इसी में तो हम लोग कोई तेल मसाला हरदी नून मिर्चा खरीदते हैं, तो इसमें कोई फायदा नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं, मिट्टी का कच्चा काम करने वाले कुम्हार भी बारिश एवं तूफान से परेशान हैं। बेमौसम हुई बरसात में ईंट बनाने वाले कुम्हारों को काफी नुकसान हुआ है। कुम्हारों का कहना है कि अब तक भट्टे में लगकर ईंट पका नहीं था, जो खराब हो गया है। इस नुकसान की भरपाई शासन स्तर से भी नहीं होगी। इस मौसम में बारिश का होना आप लोगों के लिए फायदा है कि नुकसान? नहीं, बारिश जो अभी बारिश हुई है, ये बारिश तो फसलों के लिए हमारे सब्जी के लिए फायदेमंद है। रह गए जो तूफान चला है, अभी बहुत ज़्यादा तूफान चला है, जिसमें हम लोग क्या है कि छोटे कश्तकार हैं, छोटे किसान हैं, जिसमें हम लोग खीरे और क्या कहते हैं टमाटर लगाए हैं, तो टमाटर तो हमारा बहुत झड़ चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ बहुत झड़ चुका है, खीरा भी बहुत फूल झड़ चुका है। तो ये उम्मीद रखते हैं हम लोग कि भगवान चाहे तो तूफान न चले, जिसमें हम लोगों का क्षति जो हो रहा है ना हो पाए। बता दें कि मौसम बदलने के बाद न्यूनतम तापमान में भी 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग में 17 मार्च से 20 मार्च तक की वार्निंग जारी की थी, जिसमें ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया गया था। वहीं 8 जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल एक दिन में ही 33 मिलीमीटर बारिश मौसम विभाग ने दर्ज की है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।